रामगढ़ चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार रामगढ़ पहुंचकर जनसभा कर रहे हैं। लोगों से यूपीए की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रामगढ़ छावनी मैदान में चुनावी जनसभा करने के बाद रामगढ़ छावनी फुटबॉल मैदान से लेकर करीब 4 किलोमीटर तक रोड शो कर विपक्ष को महागठबंधन की एकता का प्रमाण देने का प्रयास किया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर 4 ब्लॉक वाले इस विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5वीं जनसभा को संबोधित किया और यूपीए के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सभा स्थल पर पहुँचे लोगों को दी और उपलब्धियाँ गिनाई। दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी विपक्ष के साथ साथ आज सुपर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छावनी फुटबॉल मैदान से कार की गेट पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए सुभाष चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर कार में सवार होकर कार के बीचों बीच खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ वोट की अपील करते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर वहां से चट्टी बाजार होते हुए सिद्धू कान्हू जिला मैदान के पास रोड शो को खत्म किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।